होलसेल यानी कि थोक व्यापार शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से बुनियादी कदम उठाने होंगे। ये चार नियम किसी भी बिजनेस को मिलियन टर्नओवर में बदल सकते हैं। यहाँ जाने टिप्स। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, व्यापार व्यापार होता है, अब वो किसी भी चीज का व्यापार हो। आज के समय में अधिकतर लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। जो लोग जॉब भी कर रहे हैं उनको भी ऐसा लगता है कि कोई साइड बिजनेस कर लेना चाहिए जिससे साइड इनकम बन जाए। तो इस तरह से अधिकतर लोग बिजनेस करने का सोचते हैं। अब बात आती है होलसेल बिजनेस की। तो आपको बता दें कि होलसेल बिजनेस में एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट की बात होती ही नहीं है। यहाँ बात होती है बल्क में प्रोडक्ट्स लेने देने की। जैसे 20 पीस से लाखों पीस तक में सामान दिया जाता है, इसे होलसेल कहते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि होलसेल बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। ये कहीं हद तक सही भी है, लेकिन सिर्फ बड़ा अमाउंट चाहिए ये सत्य नहीं है। अगर आपके पास भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है तब तो आपको अपना बिजनेस जमाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप आसानी से अच्छी जगह दुकान ले सकते हैं, अच्छे से मार्केटिंग करवा सकते हैं आदि। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तब आप कैसे होलसेल बिजनेस शुरू करें जिससे आपका बिजनेस सफल हो सके। चलिए जानते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए कौन कौन से बुनियादी कदम उठाने की आवश्यकता होती है जिससे आपके व्यापार की नींव मजबूत हो। बिल्ड योर कस्टमर्स। होलसेल बिजनेस के लिए सबसे आवश्यक है लोकेशन। यदि आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है तब आप किसी मुख्य होलसेल मार्केट में शॉप ले सकते हैं जिसमें कस्टमर खुद आपके पास चलकर आएगा। परंतु आपके पास अधिक पैसा नहीं है जहां आप मुख्य मार्केट में शॉप ले पाएं, तब आपको फॉलो करना होगा बिल्ड योर कस्टमर की पॉलिसी, क्योंकि यहां आप रिटेलर्स कस्टमर्स के पास खुद चलकर जा रहे हैं। इसके लिए आपको खुद कस्टमर्स यानी रिटेलर्स के पास जाना होगा, कस्टमर फर्स्ट की पॉलिसी अपनानी होगी, अपने आसपास के इलाके में घूमना होगा, जानना होगा कि आपके बिजनेस में कौन कौन से रिटेलर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन रिटेलर्स को अपने बारे में अपने बिजनेस के बारे में बताना होगा, उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाने होंगे। मीट योर कस्टमर्स। इसके बाद आता है मेक योर कस्टमर्स। कई बार होता है कि एक होलसेल व्यापारी अपने इलाके के रिटेलर्स के पास विजिट करने जाता है फिर वो गायब हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक एक रिटेलर से कई बार मिलना है। हो सकता है कि आपके एक बार जाने से, दो बार जाने से या फिर तीन बार जाने से रिटेलर प्रोडक्ट ना ले, तो आपको यहाँ से गिव अप नहीं करना है। एक एक रिटेलर के पास कई बार जाना है और उनका भरोसा जीतना है कि आपसे अच्छा और सही दाम में प्रोडक्ट्स उनको कहीं नहीं मिलेंगे। देखिएगा, धीरे धीरे आप पर और आपके बिजनेस पर रिटेलर का भरोसा बनेगा और वो आपसे प्रोडक्ट लेना शुरू कर देगा। तो इस तरह मीट योर कस्टमर की पॉलिसी अपनानी है। अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स। कोई भी बिजनेस हो, अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके लिए आपको कस्टमर से बात करनी है, समझना है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसका बजट कितना है, वो वर्तमान में जहाँ से माल उठा रहा है वो कितने में कैसे मिल रहा है, कस्टमर के लिए क्या आवश्यक है यानी कि क्वालिटी, प्राइस या फिर डिमांड आदि। आपको ये सब जानने के लिए कस्टमर से प्रॉपर बात करनी है, व्यवहार बनाना है, अच्छे से उसकी जरूरतों को समझना है, फिर अपना ऑफर देना है। इससे जो भी रिटेलर होगा वो आप पर ट्रस्ट कर सकेगा और आपको एज अ होलसेलर चुन सकेगा। अधिकतर लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो रिटेलर के नजरिए से नहीं सोचते और उनको लगता है कि वो जाएंगे और झट से उन्हें ऑर्डर मिल जाएंगे। वो रिटेलर से डिटेल में बात करने से कतराते हैं या फिर जरूरत नहीं समझते, जिससे उन्हें रिटेलर की नब्ज समझ में नहीं आती। आपको इस गलती से बचना है। यहाँ पर होलसेल व्यापारी को ये भी ध्यान रखना है कि रिटेलर से एक महीने में कई बार मिलें, उनसे बात करें, ये ना हो कि बस आप अपना सामान बेचे पड़े हैं। पहले रिटेलर की बात सुनें, समझें, फिर टिप्पणी करें, क्योंकि रिटेलर को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत आवश्यक है। जब तक उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता आपको उसे समझने में और समझाने में मेहनत करते रहनी पड़ेगी। डिलाइट योर कस्टमर्स। अपने कस्टमर को एक्स्ट्रा खुश कर देना, यानी आप जिस रिटेलर से बात कर रहे हैं उसके साथ डील करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे कुछ ऐसा ऑफर दे दें जिससे वो कहीं और जाने की सोच ही ना पाए। जब मार्केट में प्रतियोगिता इतनी बड़ी हो तो ऐसे में आपको सूझबूझ से ही निर्णय लेने होंगे। इसके लिए आपको कुछ ऐसे भी निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिसमें आपको अधिक मार्जिन ना मिले, लेकिन ये स्टेप आपको भविष्य के लिए मजबूती देगा, क्योंकि आपका एक रिटेलर ग्रुप तैयार हो चुका होगा जो आपसे अच्छे से जुड़े होंगे। बाद में आप इनसे लाभ कमा सकते हैं और इनको लाभ दे भी सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि पहले कस्टमर के पास जाएं, उसकी समस्या समझें, फिर उसे एक ऐसा ऑफर दें जिसे वो मना ही ना कर पाए। उदाहरण के तौर पर समझें तो मान के चलिए आपके पास 100 रुपए का प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट ही आपको 100 रुपए में पड़ी है। अब आप उसमें अपना 10 रुपए का मार्जिन रखकर रिटेलर को 110 रुपए में देने की बात करते हैं। यहाँ पर रिटेलर कहेगा कि ये तो मुझे मार्केट में 100 रुपए में मिल रहा है, अब आप क्या करेंगे?
यदि आप 100 रुपए में देने से मना कर देते हैं तो आपका एक कस्टमर चला जाएगा। ऐसे में आप स्मार्ट डिसीजन लेंगे और अपने रिटेलर को 100 रुपए में दे देंगे। अब आपको इस एक प्रोडक्ट में कितना मुनाफा हुआ? 0, यानी कि 0 मुनाफा हुआ। लेकिन आपका एक रिटेलर परमानेंट बन गया, जिसे भविष्य में आप रिश्ता जोड़े रहेंगे और मार्जिन भी लेते रहेंगे। तो ये होता है डिलाइट योर कस्टमर्स की पॉलिसी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि यदि आपके पास पैसा नहीं है या फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे अपने होलसेल बिजनेस की बुनियाद को मजबूत करें, जिससे आपका बिजनेस रातों रात तरक्की करे। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी बन सकते हैं होलसेलर किंग। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।